हेलो गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग हियर ऑन माय चैनल। यू आर वाचिंग द इंग्लिश स्पोकन हब। माय नेम इज सत्येंद्र रावत। और जैसा कि आपने इस थंबनेल पर देखा, सो एज टू वर्सेस सो दैट, जी हाँ, इन दोनों ही स्ट्रक्चर्स को मैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लियर करने वाला हूँ, ताकि आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स को सीख के अपनी इंग्लिश को ब्यूटिफाई कर सकें। चलते हैं बिना समय गंवाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, राइट? तो हमने सबसे पहले वाले की क्या बात की थी, सो एज टू, राइट, जिसकी हिंदी होगी ताकि। और दूसरा हमने बात की थी सो दैट, राइट, इसकी भी हिंदी होती है ताकि। हम यहाँ पे मुख्य तौर से ताकि, यानी कि किसी उद्देश्य को दिखाने के लिए सेंटेंस में सो एज टू या हम सो दैट की बात करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपकी इंग्लिश बेहतर हो सके, ताकि आपकी इंग्लिश बेहतर हो सके। तो उद्देश्य क्या है इस वीडियो को बनाने का? उद्देश्य यही है कि आपकी इंग्लिश बेहतर हो सके। तो जब भी हम किसी उद्देश्य की बात करेंगे तो हम सो एज टू या फिर हम सो दैट का यूज करेंगे। चलते हैं, हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं यहाँ पे, या हम कुछ एग्जांपल्स को यहाँ पे देखते हैं। तो पहला एग्जांपल हमारा यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। मैंने लिखा है आई लर्न इंग्लिश। ये हमारा पहला भाग हो गया, ठीक है, जो कि मैंने बोला सबसे पहले हम सेंटेंस को रखेंगे, ठीक है, प्लस सो एज टू, यानी कि हम अब दूसरे नंबर पे हमने रखना है सो एज टू, राइट। सेंटेंस हमारा आई लर्न इंग्लिश सो एज टू गेट अ बेटर जॉब, ठीक है, प्लस में वर्ब हमने रखी, टू के बाद हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गई, राइट, अ बेटर जॉब, ठीक है, ऑब्जेक्ट की बात कर लिया। तो हमारे हिंदी निकल के क्या आई है, पहले देख लेते हैं। आई लर्न इंग्लिश सो एज टू गेट अ बेटर जॉब। मैं इंग्लिश सीखता हूँ ताकि मैं एक अच्छी नौकरी पा सकूँ, ठीक है। इंग्लिश सीखने का क्या उद्देश्य है? एक अच्छी नौकरी पाना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहले एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि सो एज टू को कैसे यूज करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे हम यहाँ पे, रानी हरीज सो एज टू रीच द स्टेशन। रानी हरीज, ओके, जैसा कि मैंने बोला सेंटेंस, तो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस यहाँ पे रखा हुआ है, रानी हरीज। रानी जल्दबाजी करती है सो एज टू, ताकि रीच द स्टेशन ऑन टाइम, ताकि वह समय पर पहुंच सके, ठीक है। तो उद्देश्य क्या है रानी का जल्दबाजी करने में, ठीक है, ताकि वो समय पर पहुंच सके, राइट। तो देखेंगे अपना हम दूसरा स्ट्रक्चर। ये तो हमारा पहला स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, अब हम दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। दूसरे स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले हमने रखा है सेंटेंस, जैसा कि उसमें रखा था पहले वाले में, उसके बाद प्लस में हमने लिखा है सो दैट, राइट, प्लस सब्जेक्ट प्लस। यहां पे कुछ सिचुएशन अलग है, यहां पे देखिए कैन भी रखा हुआ है मैंने, मे भी रखा हुआ है, माइट भी रखा हुआ है और कुड भी रखा हुआ है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पे देखेंगे मे और कैन क्यों यूज होते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूंगा, यहां पे थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। कैन और मैं, ये प्रेजेंट की सिचुएशन को दिखाने के लिए हम मैं और कैन का यूज करेंगे, और जब पास्ट की बात आएगी तब हम माइट और कुड का यूज करेंगे इन दोनों ही में से। ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास पास्ट को दिखाने के लिए माइट और कुड है, एक यूज करेंगे आप, और प्रेजेंट को दिखाने के लिए आपके पास कैन और मैं है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चाहे वो रेगुलर हो और इररेगुलर हो, राइट। वर्ब्स बहुत सारी हैं, कोई सी भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक। देखेंगे एग्जाम्पल मैंने कुछ इस तरीके से लिया है। हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है, यू शुड स्टडी एट नाइट, आपको
रात में पढ़ना चाहिए, राइट? सो दैट ये देखिए, सो दैट मैंने ऐसा रखा, सो दैट यू मे पास द टेस्ट, ताकि आप टेस्ट पास कर सको. ओके, यू शुड स्टडी, पहले मैंने सेंटेंस रखा यू शुड स्टडी एट नाइट, राइट? ये हो गया हमारा मॉडल वर्ब से शुड को मैंने रख के सेंटेंस बना दिया, राइट? अब यहां पे देखेंगे सो दैट, जैसे कि मैंने बोला प्लस सो दैट यू मे पास द टेस्ट. अब देखिए, बात तो यहां पे कहीं ना कहीं मैं प्रेजेंट की कर रहा था, तो इसीलिए मैंने यहां पे मे लगाया है, ठीक है? क्योंकि शुड हमने प्रेजेंट की सिचुएशन में रख के बनाया है ये सेंटेंस. दूसरा देखते हैं, आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अपना गृह कार्य कर लिया. सो दैट, ताकि आई कुड एस्केप फ्रॉम पनिशमेंट, ताकि मैं पनिशमेंट से बच सकूं. देखिए यहां पे कुड रखा है और यहां पे मैंने मे रखा है, तो मैंने पहले जैसा कि आपको बताया था कैन और मैं प्रेजेंट की सिचुएशन के लिए यूज करेंगे, कुड और माइट हम करेंगे पास्ट की सिचुएशन के लिए यूज. ओके, तो यहां पे देखिए हमने पास्ट इंडेफिनिट से सेंटेंस बनाया है, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया है. आई कंप्लीटेड माई होमवर्क सो दैट आई कुड एस्केप फ्रॉम पनिशमेंट, ताकि मैं दंड से बच सकूं, पनिशमेंट से बच सकूं, इसलिए मैंने अपना गृह कार्य कर लिया. उद्देश्य बताने के लिए सो एज टू, सो दैट का इस्तेमाल करते हैं. अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि और किन लेसन्स पे मैं वीडियो आप तक लेके आऊं. चलते हैं, मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय.